Hello, good morning students, class 7th. We were studying the chapter triangle and its properties. Under the topic triangle and its properties, till we have studied all about the triangles and angle sum property of the triangles also has been defined. Now, today we are going to study about the two spacer triangles. कौन-कौन से हैं? वो है पहला equilateral triangle and the isosceles triangle. The first one is equilateral triangle. EQUILATERAL. Equilateral triangle and the second one is isosceles triangle. ISOSCELES. Isosceles triangle. इन दोनों की spelling भी आपको याद रखनी है, right? Isosceles and equilateral triangle को आज हम define करेंगे. What are the properties of these two special type of triangles, right? पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखिए, व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल इट्स थ्री साइड्स आर इक्वल. इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं. इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबसे पहले तो इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है. तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, पहली प्रॉपर्टी. तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. तीनों इक्वल होते हैं. इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्स एक्स. तीनों अगर एक्स एक्स हो गए तो आपको मालूम है कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? यस, 180 डिग्री, राइट? इट मींस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. x plus x plus x, कितने x हो गए? 8x, 2x, 3x, 3x equals to 180 degree and this implies x equals to 180 upon 3, that is equal to 60 degree. 3 cancel करते हैं, 3 6 है 80. 3x equals to 180 degree, x equals to 60 degree. 180 upon 3, that is equal to 60 degree, right? So if x is equal to 60 degree, इसका मतलब ये कितने degree का हो गया? 60 degree. ये कितने degree का हो गया? 60 degree. ये कितने का हो गया? 60 degree. It means all the three angles are of equal measures and that is 60 degree, right? तीनों angles equal. अब बात करते हैं median से. जब आप किसी भी एक vertex से median इसमें draw करेंगे, median means a line from a vertex that divides the opposite sides into two equal parts. यानी कि A से आपने एक median draw किया, तो याद रखना ये जो median होता है, ये altitude भी होता है. Means equilateral triangle का altitude और median दोनों एक ही होगा, right? जो altitude होगा वही median होगा. क्यों? क्योंकि ये इसको दो equal parts में divide करेगा और ये इसके perpendicular भी होगा, right? इसी प्रकार आप यहाँ से perpendicular draw कर दीजिए, यहाँ से perpendicular draw कर दीजिए, तो ये सारे के सारे perpendicular भी होंगे और इन दो उन sides को मतलब median भी वही होंगे और altitude भी वही. ठीक? Means the altitude of equilateral triangle is the median of equilateral triangle. ठीक? और हम तीन altitudes draw कर सकते हैं, तीन medians draw कर सकते हैं. It means altitude और median same होगी इसके लिए equilateral triangle के लिए. ठीक? So this was all about the equilateral triangle. Now we will move through the other special triangle, that is isosceles triangle, right? What is an isosceles triangle? If any two sides of a triangle are equal, right? If any two sides of a triangle are equal, means if this is P, this is Q and this is R. If P, Q, R be a triangle, then P, Q is equal to PR. अगर PQ और PR दो साइड्स उसके इक्वल हैं, राइट? तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं कि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? और तीसरी साइड जरूरी नहीं है कि इक्वल, तीसरी साइड डिफरेंट हो. पहली दो साइड ओनली टू साइड्स विल बी इक्वल, थर्ड साइड विल बी ऑफ डिफरेंट मेजर, देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती है उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. यानी कि आप ये बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में जो बेस एंगल्स हैं दे आर इक्वल. इसके ऑपोजिट जो एंगल है ये है और इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो ये है. इट मींस ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. याद रखना टू साइड्स आर इक्वल
and the angle opposite to the equal sides are also equal, right? अब हम दो इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स होता है, इस पे भी ध्यान दीजिए, इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से जब आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो इस ट्रायंगल पे यानी थर्ड साइड के लिए एल्टीट्यूड भी होते हैं। फिर से बता रहा हूं, इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से जब आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो जो मीडियन मींस मीडियन है इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीडियन है तो वही जो है एल्टीट्यूड भी है, दैट इज व्हाट डी पी डी, दिस इज एन एल्टीट्यूड, इट मींस इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो उसकी हाइट हो, राइट? ये आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक, दो साइड इक्वल, उनके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वल, कॉमन वर्टेक्स जो होता है इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स है उससे अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं देन इट वर्क्स एज अ एल्टीट्यूड ऑफ, जो मीडियन है वो एल्टीट्यूड भी का भी काम करता है, ठीक। बाकी के साइड से मीडियन अलग होगी और बाकी जो दो साइड दो वर्टेक्स है उनसे जो है मीडियन अलग होगी और एल्टीट्यूड अलग होगा, राइट? मीडियन अलग होगा और एल्टीट्यूड अलग होगा अदर टू वर्टेसेस से, केवल एक वर्टेक्स जो कि दोनों कॉमन इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है वहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं या फिर मीडियन ड्रॉप करते हैं तो वो एल्टीट्यूड भी होता है और वही मीडियन भी होता है। सो दिस वाज द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलस। अगर ये 60 डिग्री अगर ये सॉरी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दिस इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। तो तीसरा एंगल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला 150 + 50 कितना हो गया 100, समझ लो ये एंगल कितने डिग्री का है, दिस एंगल इज ऑफ 80 degree, because you better know that the angle sum property of a triangle states that the sum of the interior angles of a triangle is always equal to 180 degree, right? So इस प्रकार के आपके पास questions हैं, isosceles triangle से related और equilateral triangle से related, इन questions को attempt कीजिए और जो questions आपको exercise में से नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं, right? So please do study at home, work hard and go through the exercise and ask your doubts. Thank you very much.